सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा हटके मामला कर रहा हूँ मैं पहली बार, वो सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं कुछ दोस्त हैं जिनसे मिलने के लिए, उनके मजहब अलग है हमसे, वो हिंदू मजहब के लोग हैं, मैं मुस्लिम हूँ, उनसे मुलाकात का सिलसिला बना तो उनकी प्यार मोहब्बत, उनकी वो जो मेहमान नवाजी देखी तो मुझे बड़ा मुतासर हुआ। मेरे माइंड में एकदम से एक बात आ गई कि जब हमें इस तरीके का कोई मामला नहीं है तो हमें दूसरे मुल्कों में जो अपने आप को सेक्युलर जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सेक्युलर हैं और हमारा मुल्क बड़ा सेक्युलर, तो वहां उन्होंने कतलो गरम मचा रहे इस बात के ऊपर। मैं इन दोस्त से जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आपके सामने होगा, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि जो सचो कोई मुझे बता दे, मैं इनसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो झूठ पर मबनी हो। ये भाई नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएगा आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप मुझे से ये बताइए, आपको मैं फिरका क्यों बताइए नहीं बताते, मुझे तो नहीं पता वो किस तरीके से आपका होगा। अब इनमें ये मामला है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि यहाँ पर इंतजार में रहते हैं लोगों ने आपके साथ कैसे मुसलमानों ने साथ दी, कभी कुछ जुलूम किया आपके साथ? मैं सच पर मतनी बात बताऊंगा, 144 का कानून नाफिज किया हुआ यहाँ पर स्मूथ के अंदर लाउड स्पीकर के ऊपर, आपका मेला चल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहे हैं, चल रहे हैं, किसी ने कोई नहीं रोका, कोई रोक तो नहीं पा रहा। 35 घराना, इसका मतलब मुसलमान अक्षरियत पर, इसके बाद भी आप लोग हमसे मिलते हैं, हम लोग आपसे मिलते हैं, आपको लगता है कहीं पर कोई जाति, कोई आपके बच्चों के साथ जाति, कि आपको आपके मजहब से हटाया जबरदस्ती जाता हो, कि आप हिंदू नहीं आप मुसलमान हो, जैसा कभी कोई मामला यहाँ पर रहता है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उस खूनी मोदी से आज, कि तूने जो कश्मीर के अंदर जो मजालिम लगा रखे हैं मेरे बच्चों के साथ वहां पर, किस बेस पर? सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ मुसलमान है? ये भी तो हम लोग बैठे हैं कि हमें यहाँ पर प्यार और मोहब्बत के साथ, कि हमें किसी और ने सिर्फ हमारे मजहब ने हमें सिखाया, हमारे नबी ने हमें सिखाया कि हमें एक साथ एक दूसरे को जीतना सिर्फ इखलाक के साथ, दीन के अंदर आना ही आना, ये हमारा काम नहीं है, ये रब का काम है, जिसको चाहेगा लिया जाए, लेकिन बतौर इंसान हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए, जितना वक्त मिलते हैं इंसानियत से मिले। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ आज ये बात, तूने कश्मीर के अंदर मेरी माओ बहनों के साथ जो ज्यादा करी है वो किस बेस पर करी है? क्या यहाँ पर तुझे तफरीक नजर आती है कि इकतदार में यहाँ पर मुसलमान नहीं है? तो क्या मुसलमान होने का या हिंदू होने का ये है कि किसी को भी इकतदार में देखो उसका गिरेबान पकड़ लो, उसके पेट काट दो, उनकी गर्दने काट दो? तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि झूठ पर सेक्युलर मजहब है तेरा, तू झूठ बोलता है कि इंडिया सेक्युलर मजहब है, अपनी आवाज जिस तरीके से चाहो उठा सकते हो, तो तूने 114 दिन का कर्फ्यू क्यों नाफिज किया, क्यों वहां पर ये मामला किए? मैं कैमरा दिखाऊंगा, दिखाओ, यहाँ पर सारे हिंदू बच्चे खड़े हुए, दोस्त खड़े हुए, क्या इनके चेहरे आपको लगता है कि इनसे लोग हमसे डरते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मुसलमानों के किसी भी दबदबे के अंदर हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मजहब कोई भी हो, कोई भी लोग यहाँ पर बैठे हो, उनका ताल्लुक जबर से नहीं होता, और दीन इस्लाम तो जबर की तालीम ही नहीं देता। मेरे रसूल अल्लाह की तालीम है कि अगर कुछ कर सकते हो तो बेहतर अपना इखलास करो, हमारे इखलास की वजह से कोई हो सकता है कि हमारे अंदर आ जाए, ठीक है ना, लेकिन जबर का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तुझे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और उन लोगों को जो वहां पर इंडियंस वहां पर मुसलमान है या हिंदू, जो दोस्त इस कातिल की बातों में मत आओ, कभी कहता है कि कुर्बानी की गाय मजीबा करो, मेरे मजहब में मान लिया उन्होंने, नहीं कर रहे वो, कल एक वीडियो नहीं रिलीज होती है बकरे भी पाबंदी करो, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, कल इन्हें कहें दुकानें मत लगाओ ये कहेंगे ठीक है, फिर इन्हें कहो झूले मत लगाओ ये कहें ठीक है, और एक वक्त पर ये कहते मंदिर के अंदर मत जाओ यहाँ पर लाउड स्पीकर, कहीं लगेगा ना इनको पर्सनल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ पर्सनल हो, और ये तफरीक पैदा करना तो शायद लोगों के दिलों में इतना इंतजार डाल दे कि शायद ये कल मुसलमान और हिंदू के बीच में जो आज हम साथ बैठे तेरे जैसे लोग एक साथ बैठने भी मजबूर ना करें। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी देखने वाले दोस्त हैं, हम दरमियान लोगों के कोई तफरीक नहीं है, ये तफरीक मजहब की जरूर है लेकिन इंसानियत की कोई तफरीक नहीं है, मजहब के ताल्लुकात अलग अलग है, वो अपनी इबादत करते हैं हम अपनी इबादत करते हैं, लेकिन सिर्फ यही कहूंगा मेरे उन दोस्तों से कि ये इस चेहरे को देख लो, ये जो मोदी खूनी मोदी वहां पर बैठकर जो मजालिम कर रहा है, ये मजालिम आपस में इसलिए करवा रहा है कि आप लोगों के दरमियान ये तफरीक पैदा कर रहा है कि ये मुसलमान है ये हिंदू है, पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हिंदुइज्म के लोग हैं लेकिन इनसे मोहब्बत मिली हम इन्हें मोहब्बत देते हैं, हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, जबर वाला सिलसिला हो लेकिन वहां जबर का सिलसिला। अगर ये पैगाम फैलाना चाहते हो तो मैं दोस्तों को चाहूंगा इसे फैलाओ और खूनी मोदी का चेहरा बेनकाब करो, हिंदुओं के दरमियान जो ये मुसलमान इनको आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम।